हाय फूडीज, आज किचन मोड आपके आगे पेश करती हैं शाही टुकड़ा। ये हमने बनाया है शाही टुकड़ा, रक्षाबंधन आ गई है। इस रक्षाबंधन के मौके पे हम बनाएंगे शाही टुकड़ा और इतना इजी वे में बनाएंगे हम इसको और घर के सामान से बन जाएगा। हमने मार्केट से ज़्यादा सामान नहीं लाना है, जो आपके घर में पड़ा होता है हम उसी से बना डालेंगे। आप अपने भाई को जब अपने हाथ से बना हुआ खिलाएंगे तो उसकी तो बात ही अलग है। अब मार्केट से क्यों लाएँ जब हम इतनी ईजी रेसिपी घर पर बना सकते हैं, तो हम इसको घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ सामान लिया है शाही टुकड़ा के लिए, तो ये देखें, ये मैंने लिए हैं 3 पीसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं। तो आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मैंने ये देखें रिंग लिया है। मैं छोटे छोटे इसकी ये सर्कल लूँगी। अब अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप किसी का भी ढक्कन ले सकते हैं छोटा। और ये लिया मैंने रोज़ पेटल, और ये दूसरे रोज़ पेटल को मैंने बीट कर लिया था। ऐसा ही रोज़ पेटल था पर मैंने इसे मिक्सी में बीट कर लिया है। और ये लिए हमने कुछ बादाम, ये चॉप कर लिए। ये वो लिया है मैंने पिस्ता। ये ली है मलाई, ये हम लगाएंगे। रबड़ी भी ले सकते हैं पर मैंने घर की ही मलाई ली है जो दूध के ऊपर होती है। ये मैंने ली है आधा कप, मैंने ली है चीनी और आधा कप ही लिया है पानी। और देसी घी में हम फ्राई करेंगे, हम रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। आप कर सकते हैं पर मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी। अब हमने पैन रख दिया है, मैं सारा देसी घी डाल दूंगी इसमें जितना मुझे चाहिए और इसको गर्म कर। अब हमने ये स्लाइस ले लिया है तो अब हम इसकी शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको देखें सर्कल से कर रही हूँ। या आप इसको ऐसे दबाएंगे तो हम इसको पीस बीच में से निकल जाएगा। देखें कितने आराम से निकल रहा है ये। तो आप कोई भी छोटा सा ढक्कन ले सकते हैं, उसके साथ आप जैसा मर्जी बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। जो हमारा ये ब्रेड बच जाएगी उसको हम ब्रेड क्रम में यूज़ कर लेंगे। हम कुछ भी नहीं फेंकेंगे, सबको हम यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया है। और ये जो साइड के दो बच गए हैं, इसमें भी कुछ कट सकता है। मेरे पास इससे भी छोटा रिंग है, मैं वो लूँगी और इसके भी छोटे छोटे मैं कर दूँगी। जैसे बच्चों को खिलाना होता है तो आराम से मुँह में ये डाल लेते हैं। ये सब पीसेस कट के हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक करके सारे पीसेस डाल देंगे और फ्राई करेंगे। आप देसी घी ही यूज़ कीजिएगा, देसी घी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। रिफाइंड ऑयल भी कर सकते हैं बट देसी घी का तो स्वाद ही बहुत अलग होता है। देखें अब हम इसको पलट देंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं करारा करना, ऐसा ना हो कि सड़ जाए। ये देखें बस हमें ऐसा ही चाहिए कलर, सारे हम उलट पलट कर देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। ये मैंने आधा कप मैंने पानी ले लिया है और आधा कप ही मैंने चीनी ली है। आप चीनी कम भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है। और साथ में हम लेंगे इलायची, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं बट मैं पूरी साबुत इलायची डाल रही हूँ। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, इलायची से फ्लेवर आता है और जो केसर है उससे रंगत भी आती है। तो मेरे को कलर नहीं चाहिए है। तो देखें अब हम ये चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तो हमने ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। हमने दो तार वाली चाशनी बिल्कुल बनानी, हमने बस थोड़ी सी हम इसको बॉयल कराएंगे और हम पूरा सा एक शुगर सिरप बना देंगे कि हम जो पीसेस डालें तो वो इसमें डिप हो जाएं। हमें दो तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, ये बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि हमने दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो देखें फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये बन रही है हमारी, ये हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इन पीसेस को हम चाशनी के अंदर डिप कर देंगे, एक एक करके सारे पीसेस कर देंगे हम। जैसे हमारी चाशनी तैयार हुई थी तो हमने तभी पीसेस डाल दिए थे क्योंकि हमारे पीसेस ठंडे थे और हम ब्रेड हमारी ठंडी थी और चाशनी हमारी गर्म थी। तो हमने एक एक करके डाल दिया, पूरी डिप कर दी है अच्छी तरह से। इसको ऐसे चाशनी ऊपर डालते जाएंगे कि इसके अंदर सारी चाशनी सोख ले इसको एंड ब्रेड पीसेस को। अब हम लेंगे मलाई। ये हमने ली है मलाई, आप इसकी जगह रबड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम बाजार से क्यों लेकर आएँ, ना हम ज़्यादा मेहनत करें। दूध की जो मलाई होती है हमने वही ली है। अब हम एक एक पीस के ऊपर ऐसे पूरी मलाई हम लगा देंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे। जब हमारे पीसेस हमारे ठंडे ही हैं तो आराम से मलाई लग जाएगी इसके ऊपर। तो हम एक एक पीस उठाएंगे और सबके ऊपर मलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी ईजी हमने शाही टुकड़ा बना रहे हैं और घर के सामान से बना रहे हैं। बाजार से हम ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आएंगे, जो आपके घर में सामान है आप उसी से बना सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप दूसरी जो मैदे वाली ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड होती है, आप वो भी ले सकते हैं। कितनी ईजी रेसिपी है जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है।
हम एक एक करके सब के ऊपर लगा देंगे। ये अब हमने सारे पीसेस रेडी कर दिए हैं मलाई लगा के, तो अब हम डालेंगे इसमें कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बुरादा होता है हम वो डालेंगे एक एक करके सब के ऊपर। अब हम इसकी ड्रेसिंग रेडी करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोकोनट डाल के भी, तो अब हम सारों में इसको डाल देंगे। तो अब हम डालेंगे, ये देखें अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा, सिर्फ आप बादाम भी डाल सकते हैं, पर थोड़ी सी ड्रेसिंग इसकी ज़रूरी है, तो आप इसको अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो काजू डाल दीजिए, काजू नहीं है तो बादाम डाल दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा डालना है हमने, ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमने एक पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे रोज़ पेटल, जो मैंने बीट किए थे, इसका पाउडर बनाया था वो डाल रही हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हैं तो आप डालें। अब एक एक में देखें, ये गुलाब की पंखड़ी इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये जो रोज़ पेटल थे, अब इससे बहुत बढ़िया लगता है, लुक वाइज बहुत बढ़िया लगता है, जैसे ये देखने में अच्छा लग रहा है वैसे ये खाने में बहुत बढ़िया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी जल्दी बना दिए हैं, देखिए लुक देखें इसकी कितनी बढ़िया लग रही है, और ये देखिए जैसे ये देखने में अच्छी लग रही है वैसे ये खाने में बहुत बढ़िया है, और हमने मिनटों में बना दिए हैं, घर के सामान से बना दिए हैं, हम बाज़ार से ज़्यादा सामान नहीं लेकर आए हैं, आपके पास घर में जो भी है आप बना सकते हैं और आप आराम से खिला सकते हैं। आपका ये त्यौहार है, आप इसको स्पेशल बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे बनाना है। अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग, बहुत बढ़िया से प्लेटिंग करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर रख दिए हैं रोज़ पेटल्स, गुलाब के फूल थे, इसकी पंखुड़ियाँ मैंने रख दी हैं, ये देखें लुक वाइज देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसके साथ आप राखी भी रख सकते हैं। और अब हम रखेंगे इसमें ये शाही टुकड़ा। देखें फ्रेंड्स, त्यौहार आता है तो हमारे घर से क्रॉकरी भी नई नई निकलती है, कुछ मार्केट से आती है और कुछ हमारे घर में बहुत बढ़िया पड़ी होती है, और हम त्यौहार को कुछ स्पेशल बनाने के लिए सब क्रॉकरी निकाल देते हैं, क्योंकि हमने किसी के घर जाना होता है और किसी ने हमारे आना होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम शाही टुकड़ा रख रहे हैं, देखिए लुक देखें कितनी बढ़िया लग रही है, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो वैसे ही दूसरे का मन खाने को हो जाता है, चाहे आप कुछ भी बनाएं, और ऊपर से आपके जब हाथों का बना होता है उसकी तो बात ही अलग होती है, जब आपकी ये प्रेजेंटेशन को कोई देखेगा तो वो बोलेगा क्या बात है, आपने इस त्यौहार को तो स्पेशल बना दिया है। एक एक पीस हम सारे रख देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमने रक्षाबंधन को कुछ स्पेशल लुक दे दिया है, हमारी प्रेजेंटेशन देखें कितनी बढ़िया लग रही है, ऊपर हमने रोज़ पेटल रख दिए हैं और नीचे हमने शाही टुकड़ा रख दिए हैं। देखें आप जब ऐसे प्रेजेंट करते हैं किसी के आगे तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है, वो तो बाद में खाता है लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन देखता है तो उसकी तो कहता है कि क्या बात है, जैसे दिखने में अच्छा लग रहा है वैसे ये खाने में बहुत बढ़िया होगा। आज आपने रक्षाबंधन के त्यौहार को इतना स्पेशल बना देना है कि आपका भाई भी ये बोले कि मेरी बहन ने तो इस त्यौहार को स्पेशल बना दिया है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके एवरीवन, बाय बाय।